समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और रामपुर से विधायक आजम खान के परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब उनके विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनके खिलाफ फर्जी प्रमाण पत्र मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, जबकि मुरादाबाद की स्पेशल MP MLC कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती आजम खान के परिवार की मुश्किलें फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। 13 सितंबर को आजम खान और अब्दुल खान को कोर्ट में पेश होना था, जबकि वकील ने कोर्ट में आजम खान के खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया था। वहीं गुरुवार को ही सुप्रीम कोर्ट में फर्जी प्रमाण पत्र के मामले में सुनवाई होनी है। MP MLC कोर्ट द्वारा जिस मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया गया है वह 2008 का मामला है। तब मुरादाबाद के झजलैट थाना इलाके में सपा के लोगों ने जाम लगा दिया था। इस मामले में अब अब्दुल्ला आजम आरोपी हैं। वहीं कोर्ट में वकील ने बताया कि पिता की तबीयत खराब होने के कारण अब्दुल्ला आजम को अस्पताल में रहना पड़ता है, लेकिन कोर्ट ने इस बात को नहीं माना, जिसके बाद कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। कोर्ट चाहती है कि डॉक्टर भी अपना बयान दे। इस केस में अब्दुल्ला आज तक कई तारीखों से गैर हाजिर चल रहे हैं, जिसके बाद अब कोर्ट ने ये वारंट जारी कर दिया है। हालांकि आजम खान और अब्दुल्ला आजम दोनों अभी दिल्ली में हैं। यहां आजम खान के हार्ट की सर्जरी हुई है। माना जा रहा है कि सुनवाई में भी वकील ही पेश होंगे।